अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम खजूर और सूजी से हलवा बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना 10 से 12 खजूरें ले ली हैं और इनकी मैंने जो है गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। पानी में मैंने इनको भिगो दिया, तकरीबन 30 मिनट तक हमने भिगोना है। अगर ओवरनाइट हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा है, अगर आप जल्दी में हैं तो 30 मिनट चलेंगे, मतलब इतना आप इसे भिगो के। तो फिर हम ना मैं आज ये खजूर वाला हलवा बना रही हूँ। मैंने ये दो बार बनाया तो बहुत ज़बरदस्त बना है, तो ये सबकी घर वालों की फरमाइश पे मैं ना आज दोबारा बना रही हूँ। मतलब वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, वैसे बनाया हुआ था। और 1 कप मैंने सूजी ले ली है, तो मैं अभी 1/2 कप ना और लूँगी। मैंने ये जो चाय वाला कप होता है ना नॉर्मल सा, ये मैंने 1 कप लिया है। ये मैंने बहुत प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ना तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है ना भर के जो वो मैंने बटर डाल दिया। ये मेरी ना टेबल स्पून है, इससे मैंने ना 4 डाले हैं भर के, क्योंकि ये जो अभी तो ये मेल्ट हो रहा है ना, तो इस तरह का मैंने जमा हुआ डाला है। तो ये मेल्ट हो जाए फिर हम अपनी सूजी डालते हैं। व्यूअर्स देखें ये बटर हमारा मेल्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सूजी डाल दूँगी इसमें और मैं आप थोड़ी सी सूजी और लूँगी। अगर बटर कम हुआ ना तो मैं थोड़ा सा बटर और डालूंगी, क्योंकि ये हमने इजीली इससे ना भूनना है बटर में ना। अच्छा बस ये मैंने ना वो जो मैंने आपको कप दिखाया है ना, चाय वाला कप, एक नॉर्मल कप जो होता है घरों में हम जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, तो ये मैंने 1/2 कप और ये मेरी 1.5 कप सूजी हो गई है। अगर आपने 2 बनानी है तो फिर आप उस हिसाब से मेजरमेंट करेंगे, मतलब हमारा बटर भी थोड़ा सा और डलेगा इसमें, तो आपने जिस हिसाब से बनानी हो ना आप उस वही चीज़ें उसी तरह सब। अगर मैंने ये 1.5 कप सूजी ली है तो मैं 1.5 कप इसमें चीनी डालूँगी। अगर कम खाते हैं तो फिर मैं 1 कप आप डाल दें, अगर 2 आपने सूजी ली है तो फिर 1.5 कप आप चीनी डालेंगे इसमें। ये मैंने थोड़ा सा ना 2 टेबल स्पून मैंने और बटर ले लिए, ये भी साथ साथ मेल्ट होगा और साथ साथ हमारी सूजी भी भुनेंगी। हलवे तो आपने बहुत बनाए होंगे, खाए भी होंगे, शादियों पे भी आप हलवा वगैरह खाते हैं, तो ये शादियों से भी ज़्यादा अच्छा हलवा ना, मज़े का बहुत इसका रिच टेस्ट होता है। ये पता चलता है कि हम ये सूजी का हलवा खा रहे हैं या कोई और, बहुत ज़्यादा अच्छा सा हलवा हम खा रहे हैं, उसका टेस्ट बहुत इतना अच्छा मज़े का होता है, रिच होता है ना। महसूस ही नहीं होता कि ये सूजी का हलवा, उसमें खोए की भी आ रही होती है, दूध की भी आ रही होती है, क्योंकि मैं इसमें दूध डालूंगी। तो खजूरें मैंने भिगो के रखी हुई हैं, अगर आप ओवरनाइट भी भिगो के रखेंगे तो वो भी सही है, अगर थोड़ा सा टाइम आपको जल्दी बनाना है तो आप 30 मिनट पर भिगो दें। अच्छा अभी बस देखें ये ना मैंने बहुत स्लो सी आँच पे इसे भून रही हूँ, दम वाला फ्लेम जो होता है ना उस तरह हमने ये सूजी भूननी है, क्योंकि हम तेज़ पे भूनेंगे तो ये जल जाएगी, इसका टेस्ट जो है वो नहीं सही, हलवे का टेस्ट नहीं अच्छा बनेगा। अगर आप अच्छा हलवा खाना चाहते हैं ना तो फिर आप जो है दम वाले फ्लेम पे से इसकी बनाई होगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन हलवा माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल बनेगा। ये हमारी बुनाई पर ही डिपेंड है कि हम, लेकिन इस तरह आपने हलवा ज़रूर बना के एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा और जो भी खाएगा ना फिर आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह पूछेगा। जिस जिसने खाया ना उसे तो माशाल्लाह बहुत पसंद आया। इसी तरह मैं इसे भूनते हुए ना, जब इसका जो हमने इसमें बटर डाला हुआ ना इसने इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगा तो समझ जाएंगे हमारी सूजी भून गई है। अभी तो मुझे 5 मिनट हुए हैं, तो जब तक ये भुनेगी फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ।
अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने 10 से 12 खजूरें ले ली हैं और एक जो है ना कप मैंने ब्राउन शुगर का ले लिया है, क्योंकि खजूरें भी हैं तो वो भी मीठी हैं, तो अगर ज़रूरत हुई व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा व्यूअर्स, ये मेरा बेटा बात कर रहा है आपसे कि उसे भी शौक है ना मेरे साथ किचन में आने का, तो कभी वो भी वीडियो बना लेते हैं रोज, तो वो उसका दिल होता है कि मामा मैं भी बात करूँ। आप जरूर उनकी वीडियो देखा करें। अच्छा अच्छा भी वैसे ये मैंने ना 1 लीटर दूध ले लिया 1 किलो, और ये ना थोड़ी देर बॉयल होता रहा है और काफ़ी है ना इसे, ये देखें बलाई कितनी अच्छी माशाल्लाह आ गई। अच्छा भी वैसे देखें ये मुझे ना तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और हमारी सूजी जो है इसने बटर छोड़ना शुरू कर दिया है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी आने लग गई है। अच्छा भी बस जब तक ना हमारी सूजी भून रही है और साथ साथ मैं थोड़ा सा मैंने खोपरा किया है ग्रेट, और ये ना मैं खजूरें, ये छोटा मेरे पास ग्राइंडर हैंड बीटर है उसमें ग्राइंडर छोटे जग उसमें मैंने डाली हैं, और इसमें मैं थोड़े से बादाम और ये काजू डालूंगी, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप डालें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, जो आपको पसंद है वो डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास दूध है, हम इसको मैं दूध वाला हलवा बना रही हूँ, तो मैं इसे ना ग्राइंड करके लाती हूँ, और साथ साथ देखेंगे हमारी सूजी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बन रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा बस ये मैं ना खुश्क दूध नीडो यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, आप 2-3 भी डाल सकते हैं जितना भी आपके पास हो, तो ये भी मैं इसमें ना जो मैंने उस एक पहले बनाया था मैंने डाला था, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह टेस्ट था, इसीलिए मुझे दोबारा फरमाइश आई घर में से ही ना, मतलब मैंने घर में ही बनाया था ख़त्म के लिए, तो वो बहुत पसंद किया गया, तो इसलिए तो मैं आने का आपके साथ भी मैं वीडियो शेयर करूँ, तो सर्दियों में तो ये विंटर स्पेशल है, हलवा वगैरह हर घर में बनता तकरीबन, तो खजूरें भी घर में पड़ी होती हैं, ये खोपरा वगैरह भी नारियल जो है वो ये भी होता है घर में, तो ये सारी चीज़ें दूध भी हमारे डेली घरों में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में है, तो बस आपको ये बताएंगे, आप जब खाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। अरे बस सूजी भून गई है, और जो है ना मैं ये थोड़े से मैंने वाइट तिल लिए हैं और इसमें 4 नाखज़ हैं, ये भी मैं डालूंगी, इससे हमारे हलवे का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। अच्छा भी बस देखें ये मैं ना ब्राउन शुगर भी डाल दूंगी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। ये मैं जो मेरे पास दूध है ना खजूर वाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम इसको ना हिलाते जाएंगे, बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि लम्स वगैरह ना हो बने हमारे इसमें। फ्लेम मैंने बंद कर दिया था एकदम, मैंने कहा ज़्यादा सूजी जो है, अगर आपको लगे ना कि हमारी सूजी बिल्कुल परफेक्ट है तो आप फ्लेम फ़ौरन ऑफ कर दें कि ये ब्लैक की तरफ ना जाए। ये जो दूध रह गया ये भी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी डाल दूँगी, जो मतलब कि डाइट वगैरह पे है ना जिन शुगर वगैरह, तो वो बेशक ये ब्राउन शुगर चीनी ना डालें, खजूर के साथ भी हलवा जो है ना वो भी हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नेचुरल मिठास है उसमें, तो वो भी आप ना इस तरह भी हलवा हम लोग खा सकते हैं। अच्छा भी बस ये ना मैंने इसमें थोड़ा सा ना जिस जग में दूध था ना उसमें मैंने थोड़ा सा 1 कप पानी का डाल के वो भी डाल दिया,
क्योंकि पानी भी थोड़ा सा एक कप हमें ज़रूर चाहिए इसमें। मैंने इसमें ना हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर डाला है, मैंने अपने जो है ना पीस के ना हैंड वाले हैं उसी में डाल, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना थोड़ा सा इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर भी डाला है, दो चुटकी डाला है बस, ज़्यादा नहीं डाला। और थोड़ा सा हम ये कोकोनट भी डाल देंगे, बाकी नट्स भी मैं डालूंगी क्योंकि हमने कुछ तो दूध में हमने ग्राइंड कर ली है, और कुछ मैं और डालूंगी गार्निश के लिए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसमें हलवे का भी टेस्ट आएगा माशाल्लाह से, बर्फी का भी टेस्ट आएगा, खोए का भी टेस्ट आएगा आपको। बस दिल चाहते हैं हम ये हलवा खाते जाएं, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये हलवा बनता है। अच्छा भी बस देखें ये हमारा कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखें अब इसने ना पैन छोड़ना शुरू कर दिया, हमारा हलवा रेडी हो गया। आपको भी महसूस हो रहा होगा, देखें फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूंगी, ये किनारों वगैरह से निकाल लेंगे। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये मैंने ना कुछ बादाम और काजू और पिस्ता ना थोड़ा सा मैंने ऐसे मोटा मोटा फ्रूट लिया इन्हें ना, काटते हुए थोड़ा सा टाइम लगना था, मेरी थोड़ी जल्दी थी, फिर मैंने ना इन्हें मोटा मोटा कूट लिया। और ये कुछ मेरे पास मैंने ग्रेट किया खोपरा, देखिए हमारा हलवा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। जी भी बस ये मैं ना हलवे को डिश आउट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। अरे बस ये जो हमने सूजी, एक कप हम सूजी में ना तीन कप पानी अगर डालना था, तीन कप पानी हो गया, अगर दूध भी डालना था वो भी तीन कप ही होंगे। तो मैंने एक जग भर के दूध का डाल लिया और एक कप पानी का भी डाल दिया। ये सूजी का हलवा, स्पेशल हलवा, शादियों वाला हलवा, खजूर और सूजी से बना हुआ बनकर तैयार हो गया। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी के साथ मिलें।